व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। अगर आप लोगों को सीखना है कि पेशेंस कैसे रखकर आप लोग लाइफ में कुछ अच्छा कर पाएंगे तो आप लोग यहां से सीख सकते हैं। पीवी सिंधु यहां पर 2017-2018 में हारने के बाद में अब की बार उन्होंने शानदार तरीके का बैकअप किया और अपने आप को वर्ल्ड पोजिशन पर टॉप पर ले जाके रख दिया। ये अब की बार जो इनके द्वारा खिताब यहाँ पर जीता गया है, शानदार तरीके जो परफॉर्मेंस है वो कई सारी हार के बाद में वो यहाँ तक पहुंची है। तो इसीलिए देखिए, जब लाइफ में आप लोगों के सामने हार आ रही है ना, तो उस टाइम पर अगर आप लोग अपने आप को संभाल लेते हैं तो इसका मतलब आगे बहुत ही शानदार सुनहरा आप लोगों के सामने एक अवसर आने वाला है जो आप लोगों की लाइफ को चेंज करके रख देगा। तो यही कुछ फंडा आप लोग यहाँ पर देखते हैं बहुत ज्यादा। ये अगर देखा जाए, ये पिक्चर आप लोग देखिए यहाँ पर 2017-18 में जब ये हारी और आज की डेट में जब यहाँ पर जीती, तो एक शानदार तरीका, एक अलग ही नजरिया आप लोग पर देखने को मिल रहा है। हालांकि ये नहीं है कि यहां पर यही इस तरीके का इवेंट हारी और बाकी ये सब इवेंट भी हार रही थी, नहीं, बाकी सब इवेंट जीत रही थी, पर लेकिन जब बात करते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप के बारे में तो एक अलग ही यहां पर खिताब देखने को मिलता है। तो वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो गोल्ड इनके द्वारा जीता गया है, ये काफी लंबे समय से जद्दोजहद यहां पर कर रही थी, पर लेकिन अब की बार इन्होंने सब कुछ पलट कर रख दिया। तो इसी तरीके से लाइफ में अगर आप लोगों के सामने प्रॉब्लम आ रही है ना, तो थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखिए और फिर देखिए आप लोग क्या शानदार तरीके की परफॉर्मेंस निकाल कर लेकर आएंगे। क्वेश्चन भी आप लोग से बन सकता है, किसको हराया, तो यह है नोजोमी ओकारा, ठीक है। तो इनका नाम आप लोग याद रखते हैं, जापान की, जिनको हराकर इनके द्वारा वर्ल्ड चैंपियनशिप ये जीती गई है 2019 में। बाकी आज का कार्टून काफी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं दो पर्सनालिटी के बारे में। एक साइड में यहाँ पर चिदंबरम साहब है और दूसरी साइड में अमित शाह साहब है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, 2010 में जो यहाँ पर सीबीआई का जो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं सीबीआई का जो कब्जा था वो चिदंबरम साहब के हाथ में था, उस टाइम पर ये कंट्रोल किया जा रहा था अमित शाह जी को। आज के डेट में अमित शाह जी के हाल में बोला जा रहा है कि चिदंबरम साहब को कंट्रोल किया जा रहा है, तो काफी इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि समय का चक्र जरूर चलता है, तो वही चक्र यहाँ पर आप लोगों को चलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, जो भी है, ये केस मैंने आप लोगों को समझाया था जो कि यहाँ पर आईएनएक्स मीडिया का केस था। हो सकता है आने वाले टाइम में इस पे आर्टिकल भी देखने को मिले, पर तब तक आप लोग उससे रिवीजन इसका कर लीजिएगा। आइए आर्टिकल देखते हैं क्या क्या आर्टिकल आज हम लोग को डिस्कस करने हैं। यहाँ पर जो ये वाला आर्टिकल है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में जिक्र कर रहा है कि जो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उस तरीके उसके बयान देखने को नहीं मिल रहा है जम्मू एंड कश्मीर को लेकर। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कई सारी और भी बैकग्राउंड की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को जानने को मिलेगी जिससे एग्जाम में आप लोगों का क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर जो बात की जा रही है ये प्राइवेसी के बारे में बात की जा रही है कि आज के डेट में देखिए प्राइवेसी को एक अलग तरीके से देखा जा रहा है। जिस तरीके से केस निकल कर आया था केस पुट्टा स्वामी का, उस तरीके से उसको नहीं देखा जा रहा है। तो कहां पर क्या क्या प्रॉब्लम है, तो उसी के ऊपर फोकस देने की बात की जा रही है ताकि सिचुएशन को संभाला जा सके। साइड वाला आर्टिकल यहां पर बात कर रहा है रुपी की वैल्यू के बारे में, रुपी की जो वैल्यू है वो गिर रही है एज कम्पेयर टू डॉलर की वैल्यू की, तो उसी के बारे में यहां पर जिक्र किया जा रहा है। तो आर्टिकल को देखेंगे, ये आर्टिकल यहां पर जम्मू एंड कश्मीर में जो प्रेसिडेंट रूल लगा उसी के बारे में यहां पर जिक्र कर रहा है। तो देखेंगे आर्टिकल के बारे में क्या क्या बातें की जा रही है। आज का शानदार आर्टिकल आप लोग बोल सकते हैं वेस्टर्न घाट के बारे में जिक्र कर रहा है, तो काफी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में और काफी कुछ आप लोग यहां पर जानने को मिलेगा ताकि आगे से भी आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी रहे। एक क्वेश्चन भी बताऊंगा किस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था वेस्टर्न घाट से रिलेटेड। ये जो बात की जा रही है डेटा प्रोटेक्शन के बारे में बात की जा रही है, तो यहां पर इस आर्टिकल के ऊपर भी हम लोग नजर डालेंगे और ये डेटा पॉइंट है इसको भी हम लोग देखेंगे। ये आर्टिकल मंडे को आता है जो कि एडिटर को लेटर लिखते हैं, ये उनका रिप्लाई करते हैं, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। बाकी इस लेक्चर की पीडीएफ अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो फेसबुक से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और इसी के साथ में टेलीग्राम से, दोनों के लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और कल भी आप लोगों की वीडियो आई थी, तो कल जो क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया था कई सारे बच्चों के द्वारा क्वेश्चन लिखा गया, पर लेकिन मैं ट्रेवल कर रहा था तो इसलिए आप लोगों के कई सारे जो आंसर वो अप्रूव थोड़े लेट हो पाए और कुछ एक आधे बचे होंगे वो मैं आज अप्रूव कर दूंगा, ठीक है। बाकी आप लोग इसी तरीके से आंसर लिखते रहिए, बहुत शानदार तरीके, कई सारे बच्चे तो यार राइटिंग भी इतनी अच्छी है ना और बहुत अच्छे आंसर लिखते हैं, कई सारे बच्चे अलग अलग लैंग्वेज में आंसर लिखते हैं। तो कोशिश कीजिए, जिसकी राइटिंग अच्छी नहीं है अपनी राइटिंग को इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए और वो लिखने से ही होगी, यानी कि जितना आप लोग लिखकर प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आप लोग एक कंफर्टेबल जोन में अपने आप को पाते चले जाएंगे। तो आप लोगों को ये प्रैक्टिस करनी है, तो आप लोगों ने सुना होगा ना प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, तो उसी तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि अगर आप लोगों को परफेक्ट बनना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, आइए अब नजर डालते हैं आर्टिकल के ऊपर। आर्टिकल जो है, इससे पहले आप लोगों के सामने यहां पर क्वेश्चन है, केरला हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया था जिसमें यह बोला गया था कि लोकल जो ऑथोरिटीज हैं यानी कि लोकल जो बॉडीज हैं उनको भी आप लोगों को यहां पर साथ में लेकर चलना चाहिए अगर लोकल एरिया में कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है। तो इसी के बारे में आप लोगों को यहां पर ये क्वेश्चन का आंसर लिखना है, इसी के बारे में एक्सप्लेन करना है। जो बैकग्राउंड यहां पर है, केरला की बाढ़ है, केरला में जो फ्लड है उसकी बात की जा रही है कि अगर लोकल एरिया को आप लोग लेकर चलेंगे खासकर पंचायत को, तो आप लोग समझ पाएंगे कहां पर प्रॉब्लम है और कैसे उसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है। और ये जो आर्टिकल लिखा गया है शानदार, ये माधव गडकल जी के द्वारा लिखा गया है,
जो कि एक कमेटी बनाई गई थी जिसकी रिपोर्ट सबमिट की गई, वो रिपोर्ट भी अब तक इंप्लीमेंट नहीं की गई है प्रॉपर वे में। तो ये उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या गलत हम लोगों ने रिपोर्ट में बता दिया कि आप लोगों ने अब तक उसको इंप्लीमेंट नहीं किया और एक उसी साइकिल में आप लोग घूम रहे हैं जो बर्बादी की साइकिल है। बहुत सारे लोगों की जान जा रही है, बहुत सारे हम लोगों को फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली और इकोलॉजिकली, इन्वायरमेंटली और मेंटली भी लोगों को काफी लॉस हो रहा है ये कंडीशन देखने की वजह से। तो आखिर क्यों आप लोग ऐसा कर रहे हैं, तो ये आप लोग बताएगा। जो बेसिक है, बात की जा रही है कि एडमिनिस्ट्रेशन में लोकल जो बॉडीज है उनको किस तरीके से आप लोग यूज कर सकते हैं और किस तरीके से उनको एक तरीके से अधिकार उनका होता है वहां पर, उनका उनको भी एक तरीके से पार्टिसिपेशन देखने को मिले। ओके, तो इसको एक्सप्लेन कीजिएगा, आसानी से एक्सप्लेन कर पाएंगे। एक बार आप लोग आर्टिकल देख लीजिए, एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, पहले मैं फिर आंसर लिखिएगा। ओके, आइए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो यूपीएससी में पूछा गया, ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन वेस्टर्न घाट के बारे में। वेस्टर्न घाट अगर आप लोगों से पूछा जाएगी कितने राज्यों में फैला हुआ है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप लोग मैप में देखें, यहां पर आप लोग एक बार समझिए, ये वाला जो एरिया होता है इसको आप लोग वेस्टर्न घाट बोलते हैं और ये वाला जो एरिया होता है इसको आप लोग ईस्टर्न घाट बोलते हैं। ठीक है, ये ईस्ट साइड में है तो इसको ईस्टर्न घाट बोल दिया और ये वेस्ट साइड में है तो इसको वेस्टर्न घाट बोल दिया। तो यही एक बेसिक इसका नाम आप लोग बोल सकते हैं। यहां पर जो वेस्टर्न घाट है ये काफी डेंस फॉरेस्ट एरिया हमारी कंट्री में देखने को मिलता है, लेकिन जितना डेंस फॉरेस्ट है उतना ही ज्यादा यहां पर जो एक्टिविटी है वो नेगेटिव होती है, इन फॉरेस्ट पर इंपैक्ट डालती हुई नजर आती है। तो इसी के चलते यहां पर बार बार ये न्यूज में रहता है। तो किस किस राज्य में ये आता है, तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और इसी के साथ में केरला। तमिलनाडु में भी आप लोगों को वेस्टर्न घाट नजर आएगा जबकि तमिलनाडु ईस्टर्न साइड में है, तो ये आप लोग कंफ्यूजन में डालने के लिए यहां पर हो जाता है। और इसी के साथ में गुजरात में भी आप लोगों को वेस्टर्न घाट देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये भी यहां पर कंफ्यूजन में आता है। कई बार क्या सोचते हैं कि महाराष्ट्र में हो गया, गोवा, कर्नाटक और केरला कि यही वेस्टर्न घाट है या फिर तमिलनाडु में हो गया, नहीं, उधर गुजरात में भी देखने को आप लोगों को मिलेगा। कवर करता है लगभग 1500 किलोमीटर की जो डिस्टेंस होती है ये यहां पर इसके द्वारा कवर की जाती है। तो ये जो सबसे ज्यादा है, ये तो क्वेश्चन पूछ लिया गया, अब आगे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आप लोगों से, एरिया वाइज आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे ज्यादा एरिया किस राज्य के अंदर आता है वेस्टर्न घाट का। अगर आप लोगों से क्वेश्चन बने तो ये आता है कर्नाटक के अंदर पहले नंबर पर, महाराष्ट्र के अंदर दूसरे पर, केरला के तीसरे पर, तमिलनाडु के चौथे पर, गोवा के पांचवें पर और छठे नंबर पर आता है गुजरात के। यानी कि गुजरात के अंदर सबसे कम एरिया आता है और कर्नाटक के अंदर सबसे ज्यादा एरिया आता है वेस्टर्न घाट का। तो ये इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग याद रखिएगा, वरना आप लोगों से कंफ्यूजन में डालकर क्वेश्चन उल्टे सीधे बन जाते हैं कई बार, और ये आप लोगों को पूरा पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर वेस्टर्न घाट के बारे में कोई वैसे आप लोगों से बात करी किस तरीके से इसका डिवीजन रहता है, तो ये भी आप लोग देखते हैं। पहले बोलते हैं यहां पर नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट, फिर बोलते हैं सेंट्रल वेस्टर्न घाट, फिर बोलते हैं नीलगिरी वाला एरिया और फिर बोलते हैं यहां पर सदर्न वेस्टर्न घाट। तो टोटल मिलाकर इस तरीके से चार पैटर्न में इसको डिवाइड किए हुए हैं वेस्टर्न घाट को। अगर बात करें यहां पर इस एरिया को पोर्टेट करने की बात की जा रही है, लगभग 56,000 स्क्वायर किलोमीटर और तीन बार यहां पर ये सेलिड एरिया को नोटिफाई किया जा चुका है। पर लेकिन ये बिल्कुल ऐसे है कि पेपर पर बस बातें लिखी हुई हैं, ग्राउंड लेवल पर कोई इंप्लीमेंट नहीं की गई है। अगर ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट की जाती तो ये हरकतें यहां पर देखने को नहीं मिलती जो आप लोगों को एग्जैक्ट पिक्चर में देखने को मिल रही है। जो केरला में बाढ़ आ रही है, जो लैंडस्लाइड यानी कि जमीन खिसक रही है उसकी वजह से जो इंपैक्ट पड़ रहा है, ऐसा इंपैक्ट नहीं होता अगर रियलिटी में वो रिपोर्ट को यहां पर इंप्लीमेंट किया गया होता। और ये ऐसा क्वेश्चन यहां पर राइटर के द्वारा पूछा गया कि भैया हमने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी आखिर क्या कमी रह गई, हमको बता तो दो कम से कम कि आप लोगों ने रिपोर्ट पसंद नहीं आई और आप लोगों ने यहां पर इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया। तो अभी देखिए केरला में बाढ़ देखने को मिली, पहले साल भी केरला में बाढ़ देखने को मिली थी, बहुत सारे लोगों की जान जा रही है और जो फिर से टाइम चला जा रहा है तो फिर से नॉर्मल कंडीशन बन जा रही है। देखिए होता क्या है, जैसे आप लोग समझ सकते हैं अन्ना हजारे जी का मूवमेंट चलाया गया या निर्भया रेप केस हुआ या आप लोग करप्शन की बात कर सकते हैं 2G कोल घोटाले कांग्रेस के टाइम पर, तो कंडीशन क्या थी, लोगों के अंदर रोष आया, लोगों के अंदर गुस्सा आया, उसके बाद फिर बैक टू द पवेलियन आ गए, यानी कि फिर से हम लोग नॉर्मलसी पे अटक जाते हैं आकर और फिर से जब ऐसी कोई सिचुएशन घटती है फिर से हम लोग सड़क पर उतर कर आ जाते हैं। पर लेकिन इसको कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं, अगर हम लोग इसको कंटिन्यू रख पाए, अपने पैटर्न को चेंज कर लें तो ऐसी हरकतें फ्यूचर में रिपीट ना हो। तो हमारी ये आदत है और ये हर जगह देखने को मिलती है, आप लोग पढ़ाई भी करते हैं उसमें भी कंटिन्यू नहीं रह पाते हैं, कोई काम करते हैं उसमें कंटिन्यू नहीं रह पाते हैं, तो ये हरकतें हर जगह देखने को मिलती है जिसकी वजह से एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं आ पाता है। अगर बात करें यहां पर 2019 के बारे में, तो यहां पर फ्लड, लैंडस्लाइड, फाइनेंशियल लॉस देखने को मिला और इसी के साथ में फाइनेंशियल के साथ में देखिए आप लोगों को एक मेंटल लॉस भी देखने को मिलेगा, क्योंकि एक स्टेबिलिटी बिगड़ जाती है फैमिली की जब कोई ऐसी सिचुएशन बनती है। आगे एक और न्यूज है जो आप लोगों को न्यूज एनालिसिस वाले पोर्शन में देखने को मिलेगी, मिट्टी की मूर्तियां बनाने वाले लोग जो होते हैं उनके घर डूब गए, तो बहुत सारी मूर्तियां बना रखी थी, एक मूर्ति बनाने में काफी टाइम लगता है, अब उनकी मूर्ति जो है वो मिट्टी बन गई बिल्कुल, अब उनका घर गृहस्थी कैसे चलेगा। तो ऐसे ऐसे केसेस जिनको कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता है, जिनके बारे में कोई सोचता नहीं कि ऐसा भी कुछ हुआ होगा, तो ऐसे भी बहुत सारे केसेस निकलकर सामने आते हैं, तो उसके बारे में भी बात की जा रही है थोड़ी सी। तो देखिए बेसिकली जो होता है यहां पर जो लोग रहते हैं जो जिस कंडीशन को झेलते हैं उनको पता पाता है कि क्या होगा यहां पर, लेकिन इसके लिए
अल्टरनेटिव है, अल्टरनेटिव को इंप्लीमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। वो क्या है, वो है यहाँ पर वेस्टर्न घाट इकोलॉजिकल एक्सपर्ट पैनल। इन्होंने बताया कि मुझे प्रिविलेज मिला उसको चेयर करने का, पर लेकिन प्रिविलेज तो मिला पर लेकिन उसको इंप्लीमेंट किसी ने नहीं किया। डिजास्टर 2019 और 2018 में जो देखने को मिले वो ये बताते हैं कि यहाँ पर जो भी इकोलॉजिकल एक्सपर्ट पैनल है ये माधव गडगल जी के अंडर में, उसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया। अगर उसको इंप्लीमेंट किया गया होता तो ये सिचुएशन फिर से यहाँ पर रिपीटेडली देखने को नहीं मिलती। ये बोल रहे हैं कि क्या अगर एक्सपर्ट पैनल को इंप्लीमेंट करते तो क्या सारी कंडीशन सही हो जाती है? नहीं, सारी कंडीशन सही नहीं होती तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखिए एनवायरमेंट है। पर हाँ, जो लॉस अभी हो रहा है वो लॉस इतना नहीं होता, यानी कि वो आप लोग बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो वही कंडीशन यहां पर है कि बचाव अगर आप लोग कर लेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, आप लोगों को इलाज नहीं करवाना पड़ेगा, यानी कि बीमार नहीं पड़ेंगे। तो बहुत सारा जान मान की जो हानि हुई है यहां पर उसको बचाया जा सकता था, बहुत सारी जो जानवरों की जान गई है, जो फसल बर्बाद हुई है और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, उसके बारे में कुछ और सोचा जा सकता था कि क्या किया जा सकता है। तो इस तरीके से अगर आप लोग इसको इंप्लीमेंट करते तो लैंडस्लाइड भी देखने को नहीं मिलता, जो पृथ्वी पे जो चट्टानें घिसक रही हैं खासकर वेस्टर्न घाट में वो भी काफी कम देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब यह कि आप लोग लॉस को काफी कम कर सकते थे। इनके द्वारा फिर यही बात बोली गई, देखिए हमने कुछ ऐसी बात तो आप लोगों से पूछी नहीं कि कोई नया लॉ बना के लेके आओ आप लोग, हम तो यही चाह रहे थे कि पुराने लॉ को ही आप लोग ढंग से इंप्लीमेंट कर दो इन डेमोक्रेटिक वे में। यानी कि आप लोग बोल सकते हैं कि इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला कि नया लॉ बना के लेकर आओ आप लोग, ऐसे कुछ करो कि हाँ आप लोगों को पार्लियामेंट ने पास कराना है, नहीं। इन्होंने बस ये बोला कि जो लोकल लेवल पे जो ग्राम पंचायत है हमारी कंट्री में, जो कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके 1992 में हमारी कंट्री में पंचायती राज सिस्टम आया। ये क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछा जा चुका है, ये स्टेटमेंट भी दी गई थी एक बार क्वेश्चन में कि जब पंचायती राज सिस्टम है हमारी कंट्री में, जब आजाद हुआ कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उसी टाइम से पिक्चर में, नहीं ये उस टाइम से पिक्चर में नहीं है, 1992 में हमारी कंट्री में पिक्चर में आया पंचायती राज सिस्टम। तो ये काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है। चलिए एक बात आप लोग बताइए यहां पर, अगर आप लोगों को याद होगा पढ़ाया था वैसे पॉलिटी में आप लोगों को डिटेल में, ये बताइए कि उस टाइम पर हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे जब हमारी कंट्री में ये पंचायती राज सिस्टम के 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इंप्लीमेंट किया गया, इनके ये बनाए गए। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यहां पर है पंचायत के लिए जो कि गांव में देखने को मिलती है, 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है म्युनिसिपैलिटीज के लिए जो शहर में देखने को मिलती है। तो दोनों एरिया की ये लोकल बॉडीज हैं। तो यहां पर देखिए सबसे पहले केरला का उदाहरण दिया जाता है जब बात करते हैं डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन के बारे में, वो कैसे, ये काफी इंपॉर्टेंट उदाहरण है, इसको आप लोग एग्जाम में भी उदाहरण को ले सकते हैं जब यहां पर बात की जाए आप लोगों से डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन के बारे में, यानी कि हमारी कंट्री में जो पावर है वो पंचायती राज में यानी कि पंचायत के लेवल तक पहुंचाने की जब बात की जाए। तो एक लोकल एरिया का उदाहरण देकर आप लोगों को समझाने की कोशिश की गई है, यह है प्लाचीमाड़ा पंचायत, कहां पर है, केरला के अंदर में। आखिर यहां पे उदाहरण क्या है, बड़ा ही शानदार सा उदाहरण है, आप लोग इसको समझिएगा। कोका कोला की फैक्ट्री लगाने की बात यहां पर की जा रही थी, तो उसकी वजह से जो ग्राउंड लेवल पोल्यूशन यहां पर फैलना स्टार्ट हुआ, उसकी वजह से यहां पर क्या किया गया, ये बोला गया कि यहां पर आप लोगों को ये फैक्ट्री यहां पर नहीं रखनी है। और यहां पर केरला हाईकोर्ट में पहुंच गए जो पंचायती राज यानी कि प्लाचीमाड़ा पंचायत के जो लोग थे, तो केरला हाईकोर्ट ने भी इनके फेवर में डिसीजन दिया, क्योंकि उस टाइम पर यहां पर एक तो पानी को लेकर काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिली कि ग्राउंड वाटर यूज किया जा रहा है, इसी के साथ में एग्रीकल्चर पर इंपैक्ट पड़ रहा है और लोगों की जिंदगी पर भी इंपैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि कोका कोला कोई इतनी अच्छी चीज नहीं है कि आप लोग पीकर इससे जिंदगी अपनी बसर कर सकते हैं, इवन यहां तक ये बॉडी को एसिडिक बना देती है और आपकी बॉडी पर बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट डालती है। तो कोशिश ये कीजिए कि इस तरह की चीजें आप लोग कंज्यूम न करें तो सेहत के लिए काफी अच्छा रहेगा। हुआ क्या यहां पर, देखिए जैसे ये कोर्ट में गए तो कोर्ट में बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है पंचायत के पास में कि वो क्या कर सकते हैं, सिटीजन को अपने को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सेव करने के लिए इस तरीके की जो चीजें हैं वो कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि ये राइट है यहां पर। तो जैसे यहां पर ये पहुंचे तो कंपनी काउंटर आर्गुमेंट लेकर पहुंची कि हम लोग आपके पिताश्री से यहां पर ऑर्डर लेकर आए हैं। पिताश्री मतलब ये है, ये हो गया सेंटर, यहां पर हो गया स्टेट और यहां पर हो गया पंचायत और म्युनिसिपैलिटी। तो यानी कि सबसे ऊपर हो गए सबसे बड़े पिताश्री पापा जी, यानी कि कौन हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर दूसरे नंबर पर आ गया स्टेट गवर्नमेंट और फिर तीसरे नंबर पर आ गया पंचायती राज सिस्टम। तो पंचायती राज सिस्टम यहां पर बोला जा रहा है सबोर्डिनेट है और यहां पर जो ये परमिशन लेके आए थे ये राज्य से परमिशन लेकर आए थे, पर लेकिन यहां पर जब बात आती है जनता को सेव करने की, सिटीजन को सेव करने की, तो हाईकोर्ट के द्वारा बोला गया कि पिताश्री की बात यहां पर नहीं चलेगी, यहां पर जनता की बात चलेगी। तो इसके चलते उन्होंने बोला कि यहां पर ये ऐसा नहीं चलेगा कि आप लोग यहां पर अगर स्टेट गवर्नमेंट ने परमिशन दी तो आप लोग यहां पर लोगों को जहर पिलाओगे और यहां पर एनवायरमेंट को बर्बाद करोगे, नहीं ये गलत तरीका है। ये लोकल एरिया में जो पंचायत है ये पावर उसी के हाथ में, सबोर्डिनेट भले ही है पर लेकिन उनके पास में खुद की पावर है कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। तो ये काफी अच्छा उदाहरण आप लोग बोल सकते हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन और डेमोक्रेटाइजेशन जो यहां पर देखने को मिला वो केरला से ही निकल कर आया और केरला ने यहां पर ग्राउंड रूट लेवल के जो इंस्टीट्यूशन है उनकी अथॉरिटी को मेंटेन रखने का काम किया। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं जो कोका कोला थी उसको मुंह की खानी पड़ी यहां पर इस पंचायत में,
और उसने यहाँ पर वो लॉस उसे एक तरीके से यहाँ पर जो पंचायत के सामने हार गई, घुटने टेक दिए। तो यही कंडीशन पास्ट में आप लोग देखते हैं लिटरेसी मिशन केरला में चलाया गया। इसी के साथ में जो यहाँ पर बात करें लेवल रिसोर्स मैपिंग, ये बात की जाती है, ये भी केरला में सबसे पहले देखने को मिली। देखिए केरला काफी कुछ एरिया में आगे हमारी कंट्री में दूसरे राज्य को एक तरीके से गाइड करता है, पर लेकिन अगर बात करें आज के में जो फ्लड की कंडीशन देखने को मिल रही है वो यहाँ पर अभी यहाँ पर ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा, ताकि यहाँ पर जो त्रासदी है वो कम हो सके। क्यों? क्योंकि लोकल एरिया के साथ में जो लोकल कम्युनिटी है उनके साथ में एक अच्छी ट्यूनिंग नहीं बैठाई जा रही है। अगर उनके साथ में एक अच्छी ट्यूनिंग बैठाई जाती तो जो प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल रही है वो प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। क्योंकि आप लोगों को पता है कि ऑलरेडी यहाँ पर इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन यहाँ पर डिक्लेयर करने की बात की जा रही है। अगर इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया जाता है तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर जो माइनिंग एक्टिविटी वगैरह है, जो इलीगल जो माइनिंग यहाँ पर की जाती है वो सारी यहाँ पर बंद हो जाएगी। पर लेकिन राज्य गवर्नमेंट को काफी फायदा होता है यहाँ पर माइनिंग कराने से, तो अपना जो अपना जो कोर्स है उसमें पैसा भेजने के लिए यहाँ पर ये ऐसी स्टेप उठाते हैं कि इस तरीके की चीजों को वो इग्नोर करते रहते हैं। तो यहाँ पर राइटर यही पूछ रहे हैं कि क्या इम्प्रैक्टिकल हमारे द्वारा जो सोल्यूशन दिया गया था क्या वो प्रैक्टिकल नहीं है, ऐसा आप लोग क्यों लग रहा है कि पर ये इसको इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता, तो आखिर क्यों आप लोग ऐसा सोच रहे हैं। तो उसी के चलते जो बात बोली गई है वो यही बोली गई है कि आप लोग इसको इंप्लीमेंट कीजिए, आप लोग इसको देखें तो आप लोगों को सारी चीजें होती हुई नजर आएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहां पर जो सेंसिटिव जोन है ये क्वेश्चन आप लोगों से इस स्टेटमेंट की फॉर्म में बन सकता है बड़ी आसानी से। ये बोला जा रहा है कि जो हमारा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, उसके हिसाब से यहां पर इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन वहां पर आप लोग प्रोवाइड कराते हैं। तो लोकल कम्युनिटी को अगर आप लोग जानेंगे, ये बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं आप लोगों को बताता हूं जब बोलता हूं कि अगर आप लोग अगर किसी मोहल्ले में रह रहे हैं तो आप लोग जानते हैं इस गली के इस नुक्कड़ के इस चौराहे पर किसकी दुकान है और कहां से निकलकर ये गली कहां जाती है। तो लोकल एरिया के लोग ज्यादा जानते हैं कि वहां पर कौन से नल में पानी अच्छा आता है और कौन से नल में पानी खराब आता है, तो आप लोग कैसे डिसाइड कर पाएंगे। तो लोकल एरिया को आप लोगों को साथ में लेकर चलना ही चलना पड़ेगा। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के द्वारा भी डिसाइड किया गया 60% टोटल एरिया वेस्टर्न घाट का इंक्लूड किया जाए यहां पर, खासकर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क वगैरह इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया में। देखिए दो बातें इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट बोली है, एक तो एलिवेशन यानी कि जो आप लोग देखते हैं ऊंचाई जो होती है, और दूसरा स्लोप, और ऊंचाई पर जो स्लोप होता है इनकी जो पहाड़ियां होती हैं ऊंची पहाड़ी है और उन पे स्लोप है। अगर वहां पर माइनिंग की जा रही है नीचे से कुछ निकाले जा रहा है तो फिर भैया वो खिसककर तो आएंगे वो लोगों को दबाएंगे मलबा लोगों को एक तरीके से मारेगा ही मारेगा। तो ये दो चीजों के बारे में इन्होंने काफी अच्छी रिकमेंडेशन दी थी, लेकिन यहां पर ये इंप्लीमेंट नहीं की गई। अगर यहां पर ये माइनिंग करेंगे रेनफॉल होगी तो देखिए मिट्टी नीचे दबेगी, जैसे पानी आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने कई बार देखा होगा जहां कहीं नई रोड बन रही होती है नई सड़क बन रही होती है वहां पर जब बारिश होती है तो बारिश में काफी कुछ नीचे दब जाता है। तो अगर नीचे से माइनिंग करेंगे तो ये हरकतें देखने को मिलेगी। तो वो कंडीशन यहां पर सीधा सीधा ये बोलती है कि सिचुएशन को आप लोगों को हैंडल करना है, तो आप लोगों को कमेटी की रिपोर्ट को आप लोग इंप्लीमेंट कीजिए। इसी के साथ में नेचुरल वेजिटेशन जो है वो तीसरा इंडिकेटर, यहां पर आप लोगों को देखकर नेचुरल वेजिटेशन को भी यहां पर ढंग से देखना पड़ेगा। पेड़ पौधे जो काटे जा रहे हैं वो कंडीशन भी काफी बड़ा रोल प्ले करती है। देखिए पेड़ पौधे जिस एरिया में, मान लीजिए एक एरिया है कोई, इस एरिया में ये पेड़ हो गया तो वहां पर जो मिट्टी है ना उसको जकड़ के रखता है वो, तो यहां पर जो खासकर अगर मिट्टी का जो कटाव होता है उसको रोकता है, तो ये भी काफी बड़ी बात यहां पर देखने को मिलती है। तो केरला हाई कोर्ट के द्वारा जिस तरीके से रूलिंग दी गई कि लोकल गवर्नमेंट को यहां पर पार्टिसिपेट करके चलिए, ये एक बॉटम अप अप्रोच है। बॉटम अप अप्रोच क्या है ये, इसको आप लोग ऐसे समझिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये आप लोगों के सामने उदाहरण है नीति आयोग का। हमारी कंट्री में प्लानिंग कमीशन हुआ करती थी, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग बनाया गया। ये कब बनाया गया? 1 जनवरी 2015। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा चुका है। अब बात क्या हुई यहां पर, जो प्लानिंग कमीशन थी वो टॉप टू बॉटम अप्रोच थी, यानी कि अपना प्लान बनाते थे और सारी पंचायत को बोलते थे कि इसको इंप्लीमेंट कर दो। पर लेकिन यहां पर देखिए एक जूता सब इंसान के पैरों में फिट नहीं होता, किसी पंचायत में कुछ कमी है तो किसी में कुछ कमी है, इसीलिए बोलते थे कि प्लानिंग कमीशन ढंग से काम नहीं कर रही है। नीति आयोग क्या कर रहा है, ये यहां पर बॉटम अप अप्रोच लेके चल रहा है। आप लोग बताओ आपके एरिया में क्या प्रॉब्लम है, फिर हम लोग उसके हिसाब से देखें किस तरीके से आप लोगों को चीजों को आगे लेके चलना है, यानी कि आप लोग सजेशन दो। तो यहां पर जो यही बात बोली गई है यहां पर कमेटी के द्वारा कि बॉटम अप अप्रोच लेकर चलो भाई साहब, जो नीचे वाले लोग हैं उनसे भी पूछो, कुछ अपनी अपनी दादागिरी मत चलाओ वहां पर और अपनी अपनी वो समझदारी मत लिखाओ। आप तो एसी के रूम में बैठ के यहां पर सबसे बैठ के पेपर पर एक प्लान बनाकर रख देते हैं, लोकल एरिया में लोग जानते हैं कि कहां पर क्या क्या प्रॉब्लम झेल रहे हैं, तो उनसे पूछो जाकर आप लोग। और इसी के चलते 73 और 74 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हमारी संविधान में करके यहां पर देखने को मिली आप लोगों को पिक्चर इनकी, तो उनको भी आप लोगों को यूज कीजिए, उनको भी पावर और रेस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग कराइए, ताकि हाँ वो भी ढंग से जो ग्राउंड लेवल पर है उस चीजों को देख सकें, गलत और सही हो रहा है उसको बता सकें। और इसी के साथ में बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट भी यहां पर आप लोग ढंग से इंप्लीमेंट कीजिए। देखिए हमारी कंट्री में जो लोग है ना वो सोवरन है, ठीक है,
और एक्चुअल में रियल जो रूरल है वो रियल जो रूरल है, रूलर है वो वही है, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव जो चुनकर भेजते हैं वो वही भेजते हैं, तो उनके हाथ में ये पावर है। तो पीपल फ्रेंडली, जो नेचुरल फ्रेंडली डेवलपमेंट आप लोगों को करना है, और इसी के चलते तभी आप लोग चीज़ों को ढंग से हैंडल कर पाएंगे। याद भी होगा कल मैंने जो वीडियो अपलोड करी थी ये वाली अमेजन फॉरेस्ट के बारे में, इसमें भी मैंने सारी बातें आप लोगों को यही बताई थी। तो ये सारी बातें बेसिकली जहाँ पर देखने को मिल रही हैं, जो आग अमेजन के फॉरेस्ट में लग रही है, ये मैक्सिमम जो आग लग रही है ये मैनमेड एक्टिविटी की वजह से लग रही है, नेचुरल एक्टिविटी की वजह से इतनी आग नहीं लग रही है। जो देखा जा रहा है लगभग 72-73 हजार जो आग लग रही है ओनली, लगभग अगर 2013 से 18 के 19 के बीच में आप लोग देखें तो देखें इतनी आग लगना पॉसिबल नहीं है। तो इंसानों की जो हरकतें हैं उसकी वजह से ये आग लग रही है, यही बात यहां पर इस कमेटी के द्वारा बोली गई है। ठीक है, तो ये आप लोग जरूर देखिएगा ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो सके कि क्या क्या बातें हैं और क्या क्या चल रहा है अमेजन के फॉरेस्ट में, तो आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। ओके, तो ये आर्टिकल था, तो इस क्वेश्चन का आंसर अब आप लोग जरूर दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा लिखने की, बहुत अच्छे से लिख रहे हैं, मतलब मजा आ जाता है पढ़कर आप लोगों के आंसर, इसी तरीके से आप लोगों को पार्टिसिपेट करते रहना है। ओके, आइए आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहां पर, ये काफी इंटरेस्टिंग है और इसी के बारे में आप लोग यहां पर फंडामेंटल राइट के बारे में भी, इसके बारे में थोड़ी सी बात करूंगा इसके अंदर। सबसे पहले यहां पर आगे बढ़ने से पहले कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो कि आप लोगों को आर्टिकल में देखने को नहीं मिलेगी। यहां पर बात की जा रही है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया अगर आप लोगों से कोई पूछे कैसी बॉडी है, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूट यानी कि लॉ के द्वारा हमारी कंट्री पार्लियामेंट में पास कर बनाई गई है। 1966 में यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिली, और इसी के बाद में फिर जो एक्ट आया बेसिकली, देखिए कई बार क्या होता है बॉडी बना दी जाती है फिर उसको स्टैट्यूट यानी कि लॉ के थ्रू उसको जामा बाद में पहराया जाता है। ठीक है, तो प्रेस काउंसिल एक्ट के हिसाब से यहां पर इसको पावर मिलती है कि सेल्फ रेगुलेट ये वॉचडॉग है, सेल्फ रेगुलेटरी अपने आप रेगुलेट करती है, खासकर हमारी कंट्री में जो भी इससे रिलेटेड जो मीडिया से रिलेटेड जो भी चीजें आती है निकलकर उसके एक तरीके से ये एक आप लोगों से गाइड करने का काम करती है। ठीक है, अगर देखेंगे यहां पर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि चेयरमैन कौन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो यहां पर रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज चेयरमैन होते हैं। टोटल 28 मेंबर होते हैं, 28 मेंबर में से यहां पर जो 20 मेंबर होते हैं वो मेंबर मीडिया हाउसेस से होते हैं, जो कि नॉमिनेटेड किए जाते हैं, जैसे न्यूज़पेपर, टेलीविजन चैनल या फिर मीडिया आउटलेट से। इसी के साथ में जो 5 मेंबर जो यहां पर होते हैं जो काउंसिल के, वो 5 मेंबर लोअर हाउस जो लोकसभा और अपर हाउस से आप लोगों को देखने को मिलते हैं, यानी कि सबकी एक अच्छी खासी रिप्रेजेंटेशन यहां पर होती है, इसीलिए यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलती है, काफी एक ताकतवर बॉडी आप लोग इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ में आज की डेट में जो यहां पर इसके जो चेयरमैन है, और 2015 से ये चेयरमैन है। ठीक है, तो इनका नाम है चंद्रमौली कुमार प्रसाद, जिसको सीके प्रसाद के नाम से भी इसको पुकारा जाता है। तो ये पर्सनैलिटी है जो कि 2015 से, और इनको सेकंड टर्म के लिए भी रीअपॉइंट कर दिया गया है। इससे पहले जो थे मार्कंडे 2011 से लेकर 2014 तक रहे। ये भी काफी आप लोग बोल सकते हैं कि ऐसे जज है जो कि काफी न्यूज़ में रहते हैं, अपनी स्टेटमेंट की वजह से पहले से ही न्यूज़ में रहते हैं। आइए अब जानते हैं आखिर ये क्यों न्यूज़ में है यहाँ पर ये पर्टिकुलर आर्टिकल। ये इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आप लोगों को पता है 5 अगस्त से वहां पर बिल्कुल शटडाउन है, और अभी जब मॉर्निंग में मैंने क्वेश्चन वाली वीडियो अपलोड करी, एक बच्चे के द्वारा कमेंट दिया गया कि सर बड़ी ही जद्दोजहद झेलनी पड़ रही है कि हम लोग बस कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को चलाकर नहीं देख सकते हैं। तो मैंने उस टाइम भी यहां पर कमेंट मैंने पिन भी किया था, और उस कमेंट में मैंने बताया भी था बच्चे को कि देखिए आप लोग कम से कम तब तक अगर वीडियो नहीं चल रही है तो जो भी पीडीएफ वगैरह हैं टेलीग्राम पर आप लोगों को सारी प्रोवाइड करा दी जाती है एक जगह इकट्ठी, वहां से डाउनलोड करके कम से कम क्वेश्चन आप लोग देखते रहिए और उनके आंसर भी रहते हैं, और इसी के साथ में जो द हिंदू की पीडीएफ है, नैनो की पीडीएफ है, वो भी प्रोवाइड करा दी जाती है। तो आप लोग कम से कम पीडीएफ से आप लोग तब तक पढ़ते रहिए, अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। ठीक है, तो ये बात मैं बोलना चाह रहा था बेसिकली, पर लेकिन वीडियो देख नहीं पा रहे तो ये काफी बड़ी बात है यहाँ पर कि देखिए एक पढ़ाई छूट जा रही है उनकी बीच में, अपना इंटरनेट को ढंग से यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो ये काफी बड़ी बात है यहाँ पर। कम से कम कुछ सोल्यूशन उसका निकलना चाहिए कि हाँ इतना तो कम से कम अप टू द मार्क चीजें होनी चाहिए। ओके, चलिए पर जो भी है देखते हैं कैसी सिचुएशन कब तक कंट्रोल हो पाती है। ये एक काफी बड़ा मुद्दा है जिसके बारे में अभी कुछ कहना मुश्किल है कि सिचुएशन कब तक यहां पर नॉर्मल हो पाएगी, पर लेकिन इसकी वजह से जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है उसके बारे में यहां पर आर्टिकल है। आर्टिकल में यह बोला गया कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो कि यहां पर गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन को सपोर्ट कर रही है, तो जो इसका मैंडेट है बेसिकली यानी कि जिसके लिए बनाई गई है, जिस पर्पज के लिए बनाई गई है, ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का बेसिक पर्पज ये होता है कि प्रेस के फ्रीडम के बारे में बात करें, उसकी इंडिपेंडेंस के बारे में बात करें, किस तरीके सब तक जो इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए उसको सपोर्ट करें, पर लेकिन यहां पर ये बिल्कुल अपोजिट में जा रही है। पिटीशन आई यहां पर कश्मीर टाइम्स एग्जीक्यूटिव एडिटर जो यहां पर एक पर्सनालिटी है, इनके द्वारा क्या किया, अपेक्स कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये पहुंचे। ठीक है ना, नाम है यहां पर अनुराधा। तो यहां पर जैसे ही यहां पर ये पहुंचे तो इनके बाद में यहां पर क्या हुआ, बेसिकली जो बातें निकल कर आई, तो इनके द्वारा यहां पर पिटीशन के द्वारा बोला गया कि आर्टिकल 14 के हिसाब से
तो इक्वलिटी बिफोर लॉ है, यानी कि सबके पास में इक्वलिटी है कि लॉ के सामने वो सब इक्वल हैं। और 19 जो आर्टिकल बोलते हैं यहां पर, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बात करते हैं। हमारा संविधान हमको फंडामेंटल राइट देता है कि आप लोग इस तरीके से यहां पर ये इतने लंबे समय तक रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। और पीसीआई को भी यहां पर इंटरवेंशन करना चाहिए, यानी कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को। पर लेकिन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो थी वो यहां पर पिटिशनर की साइड में नहीं खड़ा हुआ था, वो गवर्नमेंट की साइड में खड़ा हुआ था, वो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा था और बोल रहा था कि इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी की बात कर रहा था। तो इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी लोगों से होती है, अगर लोग ही खुश नहीं है तो फिर कैसी इंटीग्रिटी और कैसी सॉवरेनिटी। तो राइटर के जो राइटर है आपा, वो बेसिकली क्रिटिसाइज कर रहे हैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्टेटमेंट को। कम से कम कुछ ऐसी स्टेटमेंट तो देते कि हाँ, कम से कम जो जनता है ग्राउंड लेवल पर उनको यह लगता कि हाँ भैया ये कुछ ढंग की बातें बोल रहे हैं, यानी कि कुछ ऐसी बातें बोल रहे हैं जिससे कि हमारी कंट्री के जो सिटीजन है उनको अच्छा लगे। पर लेकिन देखिए, यहां पर ढंग की बातें और बेढंगी बातें ऐसे बोलना यहां पर सही नहीं रहेगा, क्योंकि सिचुएशन काफी क्रिटिकल है। आर्टिकल 370 हटाना कोई इतना आसान तरीका नहीं था, क्योंकि जिस तरीके की सिचुएशन यहां पर ग्राउंड लेवल पर बन रही है, तो यहां पर यह बोलना कि गवर्नमेंट ने बिल्कुल ही गलत किया है और यह बोलना कि गवर्नमेंट ने बिल्कुल ही सही किया है, तो दोनों ही बात गलत है। यहां पर एक बीच वाला पाथ है, ठीक है, जिसमें यह बोलने की कोशिश की जाती है कि जितनी जल्दी सिचुएशन नॉर्मल हो जाए अब उतनी ही जल्दी वहां से रिस्ट्रिक्शन हटा दो। तो क्योंकि देखिए, इंटीग्रेशन भी काफी ज्यादा जरूरी था, इतने लंबे समय से एक अलग ही फंडा चला आ रहा था, तो उस तरीके से भी देखा जाए तो वो भी बात सही है। पर लेकिन जिस तरीके से इंटीग्रेशन किया जा रहा है, जैसे हम लोग कई सारे आर्टिकल डिस्कस कर चुके हैं, तो वो गलत तरीका है। तो अब यहां पर इस तरीके से डिस्कस करना और इस तरीके की बातें बोलना, अब यहां पर दोनों ही एक तरीके से असमंजस वाली बातें यहां पर आ जाती है, ठीक है। तो यहां पर मिड पाथ यही है कि जो कर दिया चलिए वो हो गया, अब कम से कम इसको जल्दी से जल्दी नॉर्मलाइज कीजिए। 5 अगस्त बात की जा रही है और आज के दिन 26 अगस्त हो चुके हैं, तो 21 दिन काफी लंबा टाइम पीरियड हो जाता है, तो जल्दी से जल्दी इसको नॉर्मलाइज करा जाए, वरना एक तरीका डेपोटिज्म है यहां पर, ये डिस्पोटिज्म है यहां पर, यानी कि एक तरीके का तानाशाही है यहां पर ये, ठीक है, यानी कि सोसाइटी को एक तरीके से इंडिपेंडेंट मीडिया को क्रैप करके कहां की सॉवरेनिटी और कहां की इंटीग्रिटी रह गई, जब यहां पर जो लोग ही यहां पर थ्रेट में है जिनके लिए आप लोग सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी की बात करते हैं। स्टैट्यूटरी क्वाजाई जुडिशियल ऑटोनोमस बॉडी जो कि यहां पर प्रोटेक्ट करने के लिए यहां पर मीडिया का जो एक तरीके से इंटरेस्ट है उसकी ये स्टेटमेंट यहां पर शॉकिंग स्टेटमेंट है, उसको ये स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए यहां पर जाना चाहिए था उसको बेसिकली, और एक तरीके से जो वर्ड है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन वो समझ में आती है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। पर लेकिन कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन तो देखिए फिर ये आप लोग एक तरीके से रीजनेबल की कैटेगरी में नहीं आते, तो गवर्नमेंट का कंट्रोल हो गया बेसिकली। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन रखिए आप लोग, कम से कम जहां पर नॉर्मल है चीजें वहां तो इंटरनेट प्रोवाइड कराइए, वहां पे तो चीजों को नॉर्मल रखने की कोशिश कीजिए, वहां पे तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। पर लेकिन वहां पर भी कंप्लीटली ऐसी रिस्ट्रिक्शन यहां पर चल रही है, तो ये पीसीआई इसको सपोर्ट कर रही है, ये एक सही तरीका नहीं है, अपने मैंडेट और अपने रोल के खिलाफ जाकर एक तरीके से गवर्नमेंट के फेवर में ये बातें कर रही है, ठीक है। तो ये आर्टिकल था, तो आप लोगों से पीसीआई के बारे में क्वेश्चन बन सकता है कि बेसिकली क्या है, किस तरीके से इसको बना जाता है, क्या क्या कंडीशन है, तो इसके बारे में आप लोग मोटा मोटा आइडिया जरूर रखिएगा। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल जो बात करें यहां पर प्राइवेसी के बारे में बात करें और यहां पर डेटा के बारे में बात करें। आप लोगों को पता है 2017 में केएस पुट्टास्वामी केस आया, केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें यह बोला गया कि प्राइवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के तहत और इंसानों की जो प्राइवेसी है आप लोग उसका हनन नहीं कर सकते। तो इसी के चलते 2 साल के करीब हो चुका है यहां पर, 2 साल 9 महीने 9 जज की बेंच के द्वारा जो यहां पर बोला गया था कि फंडामेंटल राइट बना दिया प्राइवेसी को एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में यहां पर आप लोगों को अभी देखने को मिलेगा आर्टिकल 21 के तहत। पर लेकिन यहां पर प्राइवेसी जो एक नेचुरल राइट था उसको प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। आज की डेट में भी आप लोगों को ऐसी चीजें नहीं देखने को मिलेगी। अगर कोई यहां पर स्टेट कोई डेटा इकट्ठा करता है, कोई काम करता है, तो बोलता है 3 टेस्ट उसको पास करने पड़ेंगे। पहला टेस्ट तो यहां पर यह है कि लेजिस्लेटिव मैंडेट आप लोगों के पास में होना चाहिए प्राइवेसी को हनन करने के लिए। दूसरा यहां पर यह है कि आप लोगों को लेजिटिमेट रीजन यहां पर होना चाहिए, यानी कि संघे पर्पज के लिए आप लोग ये कर रहे हैं। इसी के साथ में जो तीसरा बोला है कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, तो एक्शन कोई भी अगर आप लोग लेकर चले तो वो ऐसा लेकर चले कि हाँ वो ऐसा ना लगे कि वो बर्बाद कर रहा है सोसाइटी को, एक तरीके से वो फायदे के लिए हो सोसाइटी के, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो ये 3 टेस्ट पास करने के लिए गवर्नमेंट तैयारी नहीं है जो भी यहां पर स्टेप उठाए जाते हैं। तो केएस पुट्टास्वामी केस के बाद में जो गाइडलाइन थी सुप्रीम कोर्ट और यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, यहां पर ये सिटीजनशिप को यहां पर सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दिया गया था कि प्राइवेसी जो है यहां पर प्रैक्टिकल और यहां पर परसेप्शन, ठीक है। तो दोनों हिसाब से आप लोग यहां पर इसको ढंग से लेकर चलनी है, सॉरी प्रिस्क्रिप्शन। तो यहां पर बेसिकली बात क्या की जा रही है, यहां पर प्रैक्टिस भी होने चाहिए और जो आप लोग यहां पर एक खाका तैयार करना है उसके हिसाब से भी यहां पर प्रॉपर वे में इसको स्ट्रक्चरल की तरीके से रिफॉर्म करके ट्रांसपेरेंट वे में सर्विलेंस करना है, तो जो भी करना है आप लोगों को प्रॉपर वे में एक ओवरसाइट यहां पर जुडिशियल रिफॉर्म होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट बोले कि हमको तो इनका डेटा आप लोगों को देखना है, इतना जो फोन है हम लोग को ये टैप करने हैं, तो ये सही तरीका यहां पर उसको इंप्लीमेंट करने का नहीं होगा। तो सारी बातें आप लोगों को समझनी पड़ेगी। डेमोक्रेटिक वे में आप लोगों को यहां पर समझना पड़ेगा कितना सेंसिटिव है पर्सनल इन्फॉर्मेशन सिटीजन की रखना।
तो किस तरीके से आप लोग इसको लेकर चलना है, राइट ओरिएंटेशन आप लोगों को रखनी पड़ेगी। सबसे पहले तो बात की जा रही है लो यहां पर होना चाहिए, हमारी कंट्री में अब तक इसको लेकर कोई लो नहीं है प्रॉपर वे में जो डेटा को प्रोटेक्ट करने की बात करें। पर लेकिन यहां पर स्टेट क्या करता है अपने हिसाब से यहां पर स्टेप उठाते रहता है, जैसे आधार कार्ड के डेटा की बात कर लीजिए, कई बार चोरी हो जाता है। और ऐसा नहीं कि बीजेपी की गवर्नमेंट में ही हरकतें हो रही है, पहले भी ये हरकतें होती रही है कांग्रेस की गवर्नमेंट में। तो हर तरीके से जो गवर्नमेंट है उसको यहां पर ये चीजें समझनी पड़ेगी। और इसी के साथ में जो केस पोटा स्वामी केस है उसको ढंग से एक जामा पहनाना पड़ेगा, ताकि हमारी कंट्री में एक लॉ रहे पर्सनल जो यहां पर प्राइवेसी और पर्सनल डेटा को भी ध्यान में रखते हुए स्टेप उठाया जा सके। अभी रिसेंटली होम मिनिस्ट्री के द्वारा एक स्टेप उठाया गया था लास्ट ईयर, 10 सेंट्रल एजेंसी को यहां पर जो मॉनिटर करने के लिए बोला गया था जो लोगों का डेटा है, ताकि कंट्री की सिक्योरिटी को हट न पहुंचाए। देखिए वो केस यहां पर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और उसको एक तरीके से कहीं ना कहीं कुछ स्टेटमेंट तो आई कि यहां पर गलत तरीका है ये, यानी कि किस तरीके से आप लोगों को सर्विलेंस कर सकते हैं। ये ऐसा तरीका नहीं हो सकता कि आप लोग यहां पर सर्विलेंस इस तरीके से करें, डेटा यूज कर सकते हैं पर लेकिन प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए आप लोग को डेटा यूज करना पड़ेगा। यानी कि कहने का मतलब यहां पर यह है, ये दोनों स्टेटमेंट यहां पर मोटे मोटे तौर पर एक ही बात बोल रही है। पब्लिक एक तरीके से डेटा को आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि जिसे बात की जाती है कि पब्लिक गुड और एक तरीके से न्यू ऑयल जो बोला जाता है, यानी कि आने वाले टाइम में कमर्शियल एक्टिविटी की तरीके से देखा जाता है। मैं सर्च कर रहा हूं कि मान लीजिए कोई किताब मुझे खरीदनी है अमेज़न से या कहीं से जाकर, अगर मैं सर्च कर रहा हूं तो वो किताब मुझे बार बार दिखती रहेगी, तो इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं, वो मेरे नेचर को टैप कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से डेटा को नया ऑयल माना जा रहा है मार्केटिंग के लिए, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। तो ये हरकतें हैं, आप लोग कुछ भी खरीदना चाहते हैं बार बार आप लोगों को मेल आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो कहीं पर भी आसानी से आप लोग इतना रजिस्टर मत किया कीजिए। आप लोग जाकर कहीं पर रजिस्टर करते हैं तो आप लोगों को फालतू में आप लोगों का डेटा रख लिया जाता है, तो उससे बचें। किसी को अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन ज्यादा प्रोवाइड न कराएं, जितनी जरूरी है उतनी प्रोवाइड कराएं। कोई ऐप अगर आप लोगों को अपने फोन में डाउनलोड करना है तो आप लोग उसको इंस्टॉल करने से पहले देखें कि वो क्या क्या इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं। अननेसेसरी इंफॉर्मेशन के लिए अलाउ 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 का बटन मत अलाउ करें, ठीक है, वरना आप लोग खुद ही अपने आप को सामने वाले के सामने अपना पूरा खाका खोल के रख देते हैं कि भैया मैं फोन में कुछ भी करूंगा, आप लोग सब कुछ ले सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं। तो डेटा तो चोरी करेंगे जब आप लोग अपने आप उसको प्रोवाइड करा रहे हैं सारी, हाँ कि भैया कर लो जो करना है, तो ये कंडीशन खराब है। ठीक है, तो इस तरीके से अनऑथराइज जो एक्सेस होनी चाहिए उसके बारे में आप लोगों को सोचना पड़ेगा, और गवर्नमेंट को भी यहां पर इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि अगर उसने डेटा इकट्ठा किया और ऐसा कुछ डेटा है तो उसको सिक्योर कैसे करना है, ये गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी के द्वारा फ्री एंड फेयर डिजिटल इकोनॉमी की बात की गई थी, पर लेकिन ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं कि इनका कोई एक तरीके से कोई ढांचा नहीं होता है। फ्री एंड फेयर, कहां तक फ्री और कहां तक फेयर भैया, ये तो बिल्कुल ऐसे ही हो गया जैसे रेयर एंड रेयर केस में आप लोग फांसी देंगे। अब रेयर एंड रेयर केस आप लोग कैसे डिसाइड करेंगे, क्या डायमेंशन है, क्या आप लोग बोल रहे हैं कि ये कि यहां पर ये टू, यहां पर 2x2 का यहां पर एक रूम होगा, ये रेयर एंड रेयर केस की डायमेंशन हो गई, कैसे डिसाइड करेंगे, ये तो केस टू केस आप लोग डिसाइड करेंगे ना। अब आप लोग के हाथ में आ गया फिर से यहां पर एक तरीके से बोले तो कंट्रोल, अब आप लोग बोलेंगे कि फेयर और फ्री यूज है ये, तो आप लोग खुद डिसाइड करेंगे। तो उसके बारे में भी आप लोग अगर एक प्रॉपर लॉ रहे, उसमें प्रॉपर गाइडलाइन रहे, एक लेजिटिमेट प्रॉपर प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए डेटा को यूज किया जाए और जिसका डेटा यूज किया जा रहा है उससे पूछा जाए, तो ही आप लोग यहां पर इसको बोल सकते हैं। अगर सामने वाला इंसान उसको अलाउ करे तो ही आप लोग इसको बात कर सकते हैं। केस पुट्टा स्वामी का केस लगभग 3 साल हो गए, 3 साल से अभी यहां पर कोई कंडीशन देखने को नहीं मिली, फिर से कोई बुरी कंडीशन होगी, फिर से एक मतलब ये होगा कि जागेगी गवर्नमेंट और बोलेगी कि चलो भैया रिफॉर्म कर लेते हैं, लॉ बना लेते हैं, वरना फिर से उसी जामे में आ जाते हैं जिसमें पहले थे। तो ये समझना पड़ेगा कि इसके लिए मॉडल डाटा कंट्रोलर कौन है, अपर सिटीजनशिप का पर्सनल जो डेटा है वो कैसे आप लोगों को लेकर चलना है, तो ये सारी बातें प्रॉपर कैसे सर्विलेंस करना है, अगर करना भी है तो किस तरीके से जो डेटा है वो ऐसे हाथ में नहीं पहुंचना चाहिए कि उसको मिसयूज कर पाए, तो ये पूरा एक खाका तैयार करके आप लोगों को इंप्लीमेंट कर देना चाहिए। खासकर जब बात करते हैं डिजिटल ट्रांजेक्शन के बारे में, डिजिटल इकोनॉमी के बारे में, कैशलेस ट्रांजेक्शन के बारे में, तो ये सारी बातें तभी शोभा देती है जब आप लोग डेटा को प्रोटेक्ट करना जाने। ठीक है, तो ये है यहां पर काफी शानदार आर्टिकल लिखा गया जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, और जो राइटर है यहां पर ये दिल्ली बेस्ड राइटर है, नाम है इनका पर्सनलाइज। ठीक है, तो इनका नाम आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये भी एक डेटा के बारे में ही है। यहां पर क्या बातें की जा रही है, इंपॉर्टेंट डेटा अगर गवर्नमेंट के पास में नहीं होगा तो गवर्नमेंट कैसे स्कीम बनाएगी, गवर्नमेंट कैसे सिचुएशन को आगे लेके चलेगी, और गवर्नमेंट कई बार क्या करती है खुद ही डेटा को यहां पर चोरी कर लेती है, यानी कि एक तरीके से प्रस्तुति नहीं करती है, तो फिर न्यूज़पेपर में क्या छपेगा, अगर न्यूज़पेपर में नहीं छपेगा तो जनता को कैसे पता चलेगा, अगर जनता को पता नहीं चलेगा तो कैसे आप लोग बोलेंगे कि डेमोक्रेटिक प्रोसीजर है। इसी के बारे में यहां पर आर्टिकल है, यहां पर आर्टिकल है वो चाह रहे हैं कि जर्नलिस्ट जो होते हैं उनको टाइम टू टाइम डेटा मिलता रहे तो जनता के सामने डेटा को रखते रहे और इससे डेमोक्रेसी भी मेंटेन रहती है। अभी साउथ वेस्ट मॉनसून चल रहा है केरला के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर और ये कर्नाटक के अंदर काफी ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिला, पर लेकिन कितने लोगों की जान गई, कितने लोग इफेक्ट हुए, क्या क्या बातें हुई, वहां पर जो डेटा आ रहा है वो काफी लेट आ रहा है, काफी एक तरीके से अप टू द मार्क डेटा नहीं देखने को मिल रहा है। तो जो कंडीशन है वहां पर वो ये है कि जो जर्नलिस्ट बता ही नहीं पा रहे कि एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पर प्रॉब्लम क्या है, तो ये काफी बड़ी बात आप लोग बोल सकते हैं कि दूसरे लोगों को पता ही नहीं चल पाता है
जिस तरीके से मुजफ्फरनगर के दंगे की बात करें, इतने ज्यादा लोगों की जान गई जिसकी कुछ हद नहीं। वहां पर मुझे पता है लोकल एरिया के बारे में, वहां के कई सारे वहां पर जो जान पहचान वाले लोग भी हैं, पर लेकिन जो न्यूज पेपर में चीजें छपी और जो एक्चुअल में चीजें सामने निकल कर आई वो कुछ और ही डेटा बताती है। यानी कि ग्राउंड लेवल पर क्या हो जाता है उसको छिपाने का एक तरीका यहां पर कि डेटा सामने लेकर ही मत आओ। इंडियन मीटोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा क्या किया जाता है, ये प्रोवाइड किया जाता है डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा, स्टेट वाइज डेटा के साथ में। होता क्या है, मान लीजिए ऐसा किया जाता है, मान लीजिए राज्य का नाम दे दिया, राज्य के अंदर यहां पर डिस्ट्रिक्ट का नाम दे दिया। अब डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहां पर एक एक डेटा को खोलकर देखना पड़ेगा। यानी कि अगर यहां पर किसी राज्य के अंदर मान लीजिए 70 या 75 डिस्ट्रिक्ट है तो आप लोगों को 70-75 बार खोल के देना पड़ेगा। राइटर क्या चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि देखिए अगर एनालिसिस करना है तो इतना टाइम किसी के पास नहीं होता कि जाते ऐसे ऐसे चेक करें। आप लोग क्या करें, राज्य का नाम दे और सारे डिस्ट्रिक्ट एक एक क्लिक में दे दीजिए ना खोल के कि ये डिस्ट्रिक्ट का इतना, इसका इतना, इसका इतना है। फिर आगे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को आप लोग टैब में दे दीजिए, पर नहीं डिस्ट्रिक्ट को भी टैब में डाल रखा है। इससे क्या होता है, आदमी अगर 70 डिस्ट्रिक्ट का एनालिसिस करने बैठेगा तो 70 को अलग अलग खोल खोल के देखेगा, उसके बाद फिर उनको कॉपी पे लिखेगा। अगर सामने ही यहां पर मैं आप लोगों को लिख दूं कि यहां पर ये डिस्ट्रिक्ट के इतने परसेंट तो एक नजर डालेगा जरा सी देर में एनालिसिस करके किसी और डेटा के ऊपर जाकर देखेगा। तो इसकी वजह से भी यहां पर ये भी एक गलत तरीका है डेटा को रिप्रेजेंट करने का। रिप्रेजेंटेशन आसान होनी चाहिए, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होनी चाहिए ताकि लोगों को आसानी से मिल जाए। एक तो पूरा डेटा नहीं मिल पाता है, डेटा जो होता है वो टूट टूट कर मिलता है, एक दूसरा वो इस तरीके से नहीं मिल पाता ताकि उसको आसानी से यूज कर पाए। जैसे बात करें इंप्लॉयमेंट के बारे में, 45 साल में सबसे ज्यादा अनइंप्लॉयमेंट देखने को मिला, पर लेकिन जो डेटा प्रस्तुत करने वाली एजेंसी है उसको डेटा प्रस्तुत करने ही नहीं दिया, वो तो जैसे तैसे निकल कर आ गया, लीक होकर आ गया, वो एक अलग बात है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से चलें, उसका डेटा रिलीज करने में काफी लेट की गया। इसी के साथ में हमारी कंट्री में सुसाइड कितने कर रहे किसान, ये 2016-17 से हमारी कंट्री में डेटा प्रस्तुत ही नहीं किया जा रहा है। तो यानी कि किसान कितनी की जान जा रही है, जाती रहे, किसी का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये गलत तरीका है, लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि एक्चुअल क्या हो रहा है। सबको अच्छी अच्छी चीजें दिख रही है कि हां सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, यानी कि बुरी बुरी चीजें छिपा ली जा रही है। और ये हरकतें हर एक गवर्नमेंट करती है, अपनी रियलिटी सामने निकालने से डरती है, चाहे वो सेंटर में कोई सी भी गवर्नमेंट क्यों ना हो। तो ये गलत तरीका है जनता से छुपाने का, खासकर अगर गलत कोई काम हो रहा है। तो क्वेश्चन आ रहता है पार्लियामेंट में, जब यहां पर क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन आर के ड्यूरेशन में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बस वो आंसर देती है जो अपना काम कर रही है, यानी कि अपने अंदर में, बाकी जो दूसरे एरिया उनके बारे में कुछ बोलती नहीं है। स्टार्टअप के बारे में पूछा गया या कोई बातें पूछी गई तो सेंटर के द्वारा जो सपोर्ट किए जा रहे हैं स्टार्टअप उनके बारे में बता दिया। अनइंप्लॉयमेंट या इंप्लॉयमेंट के बारे में पूछा गया तो सेंटर जो यहां पर जो प्रोवाइड करा रही है उसके बारे में, बाकी कंट्री को कौन एनालिसिस करेगा, बाकी कंट्री के बारे में कौन बताएगा, वहां का डेटा कहां से निकल कर आएगा। तो ये काम गवर्नमेंट का होता है, गवर्नमेंट वो काम नहीं कर पा रही है, फुल पिक्चर कई बार नहीं निकल के आती है। अभी उत्तराखंड के अंदर यहां पर उत्तरकाशी में यहां पर बोला गया कि कोई भी सिंगल गर्ल पैदा नहीं हुई है 130 गांव के अंदर, यानी कि 130 गांव के अंदर एक सिंगल लड़की ने भी जन्म नहीं लिया है। तो इसका मतलब क्या है, समझ जाओ, समझदार को इशारा काफी है, यानी कि भ्रूण हत्या की जा रही है, लड़की को पेट में ही मार दिया जा रहा है। तो ये जो डेटा है यहां पर ये फ्रेगमेंटेड वे में आप लोगों को देखने को मिलेगा। कई सारे ऐसे भी एरिया है जहां पर उससे कंपेयर कर सकते हैं आप लोग, कुछ ऐसे भी एरिया जहां पर कोई लड़का ही पैदा नहीं हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, वहां पर भ्रूण हत्या नहीं हो रही है, पर लेकिन वहां पर डेटा को कंपेयर करने के लिए एक ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहता है, क्योंकि डेटा जो होता है इतना स्मॉल पीसेज में होता है, बिल्कुल ऐसे जैसे मैं आप लोग क्या करूं जैसे आप लोग पीडीएफ एक जगह, आप लोग इसको ऐसे समझिए, आप लोग क्या करते हैं टेलीग्राम पर जाते हैं, पीडीएफ को जरा सी देर में डाउनलोड कर लेते हैं अपने रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं टेलीग्राम पर ये पीडीएफ ने डालकर ये सारी की सारी पीडीएफ की एक एक पिक्चर डालूं वहां पर, तो आप लोग कहां इकट्ठा करते घूमेंगे, आप लोग संभाल पाएंगे उन पिक्चरों को, तो पता नहीं कहां पड़ी रहेंगी, आप लोग रिवीजन भी ढंग से नहीं कर पाओगे। तो मैं बोलूं कि पिक्चर उठाते रहो और देखते रहना, तो ये कोई सही तरीका नहीं होगा। मैं पीडीएफ आप लोगों के सामने लेकर आता हूं एक दिन की, और आगे आने वाले टाइम में आप लोगों को ये कई बच्चे पूछ रहे थे मंथली पीडीएफ कहां से मिलती है, तो मंथली पीडीएफ भी आप लोगों को रिसेंटली अभी प्रोवाइड कराई जाएगी, मेरे पास में है मंथली पीडीएफ, तो उनको भी मैं रिसेंटली अभी प्रोवाइड करा दूंगा आप लोगों को। तो ये बेसिकली क्या है, आप लोग आसानी से रिविजन कर पाए, डेटा एक जगह इकट्ठा हो जाए, आप लोग पढ़ पाए, तो एक बेसिक वो पर्पज है। पर लेकिन यहां पर गवर्नमेंट क्या करती है, डेटा को फ्रेगमेंटेड वे में रखती है, जो कि गलत तरीका है। यहां पर एक तरीके से रोका जा रहा है कि लोगों के पास तक डेटा न पहुंचे, और जो जर्नलिस्ट है वो काफी प्रॉब्लम झेल रहे हैं, और जर्नलिस्ट तो प्रॉब्लम झेल ही रहे हैं, इसकी वजह से जनता के सामने सही न्यूज नहीं आ पाती, तो उसके चलते फेक न्यूज निकल कर आ जाती है जो कि सोसाइटी में फिर नेगेटिव इंपैक्ट डालती है। तो जनता को हक है भैया असली न्यूज जानने का, डेमोक्रेटिक कंट्री में हम लोग रह रहे हैं, पब्लिक ट्रस्ट यहां पर होना चाहिए यहां पर गवर्नमेंट के ऊपर, और ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन उनको मिलनी चाहिए। तो यही तो तरीका है डेमोक्रेसी को चलाने का, पर लेकिन आप लोग अपना ही कोई तरीका ढूंढ रहे हैं, तो यह सही तरीका नहीं है जनता को गुमराह करके अपनी चीजों को आगे लाने का। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहां पर, जो रुपी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है उसके बारे में बेसिकली यहां पर बात की जा रही है। देखिए यहां पर जो राइटर सबसे पहले तो वो ये बोल रहे हैं कि आप लोगों को टेंशन लेने की अभी इतनी जल्दी जरूरत नहीं है कि रुपी की वैल्यू बहुत ज्यादा गिर गई है, और सबसे बड़ी बात यहां पर यह कि हमारी ही रुपी की वैल्यू नहीं गिर रही यहां पर, कि आप लोग टेंशन में आ जाए कि हमारी रुपी की वैल्यू यहां पर गिर रही है। यहां पर जो बोला गया, देखिए तुर्किस की जो लीरा है, ब्राजील की जो यहां पर रियल है,
साउथ अफ्रीका की रैंड है, मेक्सिको की जो पीसो है, तो ये सारी भी यहां पर आज के में डिक्रीज हो रही है डॉलर के कंपेयर में। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में यहां पर इंपैक्ट इसका पड़ रहे हैं, तो आप लोग इसको लेकर इतनी जल्दी परेशान मत हो जाइए। 2008 में जो रिसेशन आया था तब से लेकर कई बार ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है। अभी आप लोगों को देखने को मिला जब यहां पर लगभग 18 के सितंबर अक्टूबर नवंबर में काफी ज्यादा यहां पर जो रुपये की वैल्यू गिर गई थी। तो ये देखिए अप्स एंड डाउन आते रहते हैं ट्रेड वॉर की वजह से, ऑयल प्राइस की वजह से, तो बहुत सारी सिचुएशन कंडीशन ऐसी बन जाती है जिसकी वजह से ये रुपये की वैल्यू यहां पर चेंज होती रहती है। हमारी कंट्री में मॉनसून अच्छा नहीं है, हमारी कंट्री में एक्सपोर्ट जो है और इंपोर्ट जो है वो भी काफी बड़ा इंपैक्ट यहां पर डालता है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं ठीक है जो कि यहां पर इंपैक्ट डालते हैं। तो इसके ऊपर एक डिटेल में बड़ी ही प्यारी सी वीडियो बना रखी है, बड़ा ही अच्छा सा एनालिसिस किया रखा है यहां पर, मतलब जो भी मुझे लगता था कि आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए वो सारा इस लेक्चर के अंदर डाल दिया गया है। तो ये लेक्चर वीडियो के नीचे प्रोवाइड करा दूंगा, इस लेक्चर को अगर एक बार आप लोग देख लेंगे तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोगों के माइंड में कि कैसे चेंज होती है रुपी के कंपेयर में डॉलर की वैल्यू या फिर डॉलर के कंपेयर में रुपी की वैल्यू और कैसे यहां पर घटता बढ़ता है और कैसे व्यापार होता है यहां पर। ये तो सारी बातें बड़ी ही डिटेल में यहां पर समझा रखी है, तो इसको जाकर आप लोग देख लीजिए। बेसिकली यहां पर जो राइटर है और आर्टिकल में ही बातें कर रहे हैं कि टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है कि अभी जो है आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। इतनी जल्दी अगर आप लोग बोले कि बहुत ज्यादा नेगेटिव पहुंच गई चीजें तो वो गलत तरीका है ठीक है। तो वो यहां पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि एक तरीके से साहस बंधा रहे हैं कि हाँ अभी आप लोग वेट एंड वॉच का कंडीशन करो और जो भी आप लोग स्टेप उठा सकते हैं वो स्टेप उठाओ, क्योंकि कई सारे रिफॉर्म अभी हमारी कंट्री में फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा लिए गए हैं ठीक है आप लोगों को, जिसे मैंने डिस्कस किया था न्यूज पेपर में, ताकि यहां पर हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट वगैरह बढ़े। क्योंकि जब से बजट प्रस्तुत किया गया था हमारी कंट्री में तब से काफी लो इन्वेस्टमेंट हो गया था, तो उसकी वजह से काफी नेगेटिव इंपैक्ट हमारी इकोनॉमी में पड़ रहा था, तो वो भी अब आप लोगों को चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये तमाम बातें हैं जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। ओके आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर डेटा के बारे में बात की जा रही है, जो आज उसके डेट में 4G आप लोग फोन यूज करें, जो आप लोगों के पास में डेटा मिलता है उसके बारे में बात की जा रही है। अगर बात करें तो जियो ने आगे कंडीशन पूरी सवार दी। अगर देखा जाए तो 2014 से लेकर 2018 तक का अगर देखा जाए यहाँ पर जो वायरलेस डेटा सब्सक्राइबर है वो डबल हो चुके हैं आज के डेट में। रीजन क्या है? चीप प्राइस। पहले क्या होता था, आप लोगों को लगभग 200-300 रुपए में 1 GB डेटा मिलता था एक महीने के लिए, समझ रहे हैं? आज की डेट में 300-400 रुपए में 2 GB डेटा मिल जाता है एक दिन के लिए। तो यहाँ पर ये काफी बड़ा चेंज आप लोग बोल सकते हैं। तो इसी के चलते जो 4G का यूज है वो आप लोग देखते हैं, 4G का जो यूज है यहाँ पर वो बढ़ना स्टार्ट हो गया और यहाँ पर 2G और 3G कम हो गए, और आप आने वाले टाइम में यहाँ पर एक और नया सिरा मिलेगा यहाँ पर 5G का देखने के लिए ठीक है। तो ये नंबर ऑफ जो सब्सक्राइबर है 4G के वो बढ़ते जा रहे हैं, 3G और 2G के कम होते जा रहे हैं, पहली बात। दूसरा जो यहाँ पर जो चीप डेटा हो गया है, पहले आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं क्या वैल्यू यहां पर हुआ करती थी, आज के डेट में घटकर कहां पर आ गया है ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर पहले आज के डेट में जो कितना लेवल पर आ गया ये वायरलेस डेटा जो है वो काफी अच्छे यहां पर देखने को मिल रहे हैं। और इसी के साथ में जो इंडियन वायरलेस डेटा यूजर है ठीक है, एटलीस्ट 6 GB और फिर मंथ जो यूज करें 2018 से अगर एवरेज आप लोग देखेंगे ये भी यहां पर बढ़ता हुआ जा रहा है। तो कहां कहां पर क्या क्या है ये भी आप लोगों के सामने डेटा है, नंबर ऑफ वायरलेस सब्सक्राइबर और यहां पर एवरेज डेटा जो यूज करने वाले सब्सक्राइबर है पर मंथ वो यहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारा डेटा आप लोगों के सामने जम्मू एंड कश्मीर का हो गया, यहां पर आसाम, पंजाब, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तो ये सारे एरिया है जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप लोग कोई आंसर लिख रहे हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में, हमारी कंट्री में डिजिटल डेटा के बारे में और प्राइवेसी सिक्योरिटी के बारे में, तो ये सारा डेटा आप लोग वहां पर कोट कर सकते हैं। इसी के साथ में आप लोगों से प्रीलिम्स से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि महाराष्ट्र के बारे में, महाराष्ट्र अगर मुंबई को एक्सक्लूड करते हैं तो हाईएस्ट नंबर ऑफ वायरलेस सब्सक्राइबर हैं यहां पर जो कि यूज करें, इसके बाद में आंध्र प्रदेश आता है, फिर तमिलनाडु आता है इंक्लूडिंग चेन्नई। फिर कंज्यूमर की बात करें तो उत्तर प्रदेश में और बिहार और पंजाब में सबसे ज्यादा डेटा यूज किया जाता है एवरेज पर मंथ के हिसाब से चलें। एवरेज डेटा जो कंजप्शन यहां पर आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट में, ये लोवेस्ट आप लोगों को देखने को मिलता है ठीक है। तो ये अलग अलग डेटा है जो आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसके बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। आगे चलते हैं, बात करते हैं न्यूज एनालिसिस के बारे में, क्या क्या न्यूज है। सबसे पहले इंटरेस्टिंग न्यूज है यहां पर ये बात की जा रही है एसपीजी के बारे में, जिसको बोलते हैं स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो है यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज के लिए यहां पर ये प्रोवाइड कराता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गए, उनके फैमिली मेंबर हो गए, पेरेंट, बच्चे, उनकी वाइफ वगैरह, उनके लिए यहां पर प्रोवाइड कराते हैं ठीक है। अगर देखें हमारी कंट्री में लगभग 3000 के करीब यहां पर ये पर्टिकुलर जो ग्रुप है यहां पर जो प्रोवाइड कराते हैं। आज के डेट में जो प्राइम मिनिस्टर हो गए जैसे, और इन्हीं के साथ में खासकर जो सोनिया गांधी और उनके बच्चे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तो उसके तहत यहां पर प्रोवाइड कराया जाता है। एसपीजी एक्ट 1988 यहां पर आता है। अभी जो फिलहाल है मनमोहन सिंह जी से विड्रॉ करने की कोशिश की जा रही है यहां पर, ये अभी न्यूज निकल कर आ रही है, हालांकि इसको अभी कंफर्म नहीं किया गया ढंग से। अभी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन क्या होगी वो देख सकते हैं आप लोग, कौन इसके अंदर कवर किया जाता है। देख तो प्राइम मिनिस्टर रहता है, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहता है और उसकी फैमिली रहती है,
ताकि थ्रेट ना देखने को मिले। बाकी प्रेजेंट क्या है यहाँ पर प्रोटेक्ट, अगर प्रोटेक्शन की बात करें यहाँ पर तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हो गए, इसी के साथ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह और उनकी वाइफ वगैरह हो गए। कांग्रेस के जो बात की जाए यहाँ पर प्रेसिडेंट सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी और ये सब हो गए, राहुल गांधी वगैरह। तो टोटल मिलाकर यहाँ पर 3000 के करीब पर्सनल है जो कि यहाँ पर ITBP, CRPF और CISF इसमें से निकालकर यहाँ पर लाए जाते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में आप लोग क्वेश्चन बन सकता है, तो ये एक्ट भी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि काफी न्यूज में है। नेक्स्ट बात की जाए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा काफी अच्छी बात बोली जा रही है, 150वीं बर्थ एनिवर्सरी जो है हमारी कंट्री में महात्मा गांधी जी की 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट करनी है, तो इंडिया प्लास्टिक फ्री यहां पर बनाने की कोशिश की जा रही है म्युनिसिपैलिटीज के थ्रू। तो एनजीओ, कॉर्पोरेट, गवर्नमेंट सब मिलकर अगर काम करें तो यहां पर हम लोग बिफोर दीपावली इस टारगेट को क्या अचीव कर सकते हैं, तो यहां पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, और देखिए हैप्पी दीपावली। ठीक है, सबसे पहले मैंने इस साल आप लोगों को विश किया हैप्पी दीपावली, अब मेरे से पहले आप लोग किसी ने विश नहीं किया। ठीक है, फिर मत बोलना कि सबसे पहले किसी और ने विश कर दिया तो आज से ही याद रखिएगा मैंने पहले आप लोगों को विश कर दिया है। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो बात की जा रही है यहाँ पर, ये जो बात की जा रही है सेंटर और जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, स्पेशल स्टेटस की बात आप लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का हटाया गया अभी आर्टिकल 370 के तहत पर, लेकिन नागालैंड की जो बात की जा रही है, नागालैंड वाले ये बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ पर एक स्पेशल फ्लैग होना चाहिए, स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, यानी कि अभी जम्मू कश्मीर का हटाया और ये बोल रहे हैं भैया हमको भी स्पेशल फ्लैग और कॉन्स्टिट्यूशन दे दो, यानी कि एक तो प्रॉब्लम से जूझ नहीं रहे हैं, आप एक नया पिटारा खोल दो अभी यहाँ पर, एक नई सिचुएशन अभी देखने को मिल जाएगी। चलिए देखते हैं क्या कंडीशन निकल कर आती है यहाँ पर शांति बनाने के लिए, ये भी काफी बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। मॉब लिंचिंग के बारे में क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं, यहाँ पर इंपावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर है किसके अध्यक्षता में, यह होम मिनिस्टर अमित शाह जी के अध्यक्षता में, ये जब हमारी कंट्री के होम मिनिस्टर थे राजनाथ सिंह उस टाइम पर भी इसके बारे में बात की जा रही थी, तब से ये न्यूज में है काफी। आईटी दिल्ली के द्वारा यहाँ पर वेस्ट टू वेल्थ, यानी कि जो एक तरीके से कूड़ा करकट होता है उससे कैसे वेल्थ जनरेट की जा सकती है, कैसे इसको एक तरीके से गंदगी को कम किया जा सकता है, उसके बारे में फोकस देने के लिए ये एस्टेब्लिश कर रहे हैं एक एम टारगेट की किस तरीके से इसका कंट्रोल करके सॉल्यूशन निकालना है। नेक्स्ट जो बात की जा रही है जेटली जी की, जो यहाँ पर लास्ट जो आप लोग बोलते हैं जो क्रिमिनेटेड यहाँ पर देखने को मिला, इनके दाह संस्कार किया गया, तो ये एंड ऑफ द एक ऐसी पर्सनैलिटी का बोल सकते हैं आप लोग जो कि एक शानदार पर्सनैलिटी और काफ़ी एक जाने माने एक विद्वान आप लोग इनको बोल सकते हैं, जिस तरीके से इन्होंने हमारी सोसाइटी हमारी कंट्री को इम्प्रूव किया है। ठीक है, चलिए इनकी आत्मा को शांति मिले। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो बात की जा रही है केरला के बारे में बात की जा रही है, केरला में जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया जो फ्लड वगैरह की बात आती है जब बारिश होती है, केरला किसी भी एरिया में आप लोग बात कर लीजिए, ठीक है, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर जो खासकर मिट्टी में काम करते हैं, मिट्टी के बर्तन या मिट्टी की मूर्तियां बनाते हैं, अगर वहां पर बाढ़ आती है तो इसका मतलब ये समझिए कि पूरी फैमिली डूब चुकी है एक किसी पर्टिकुलर बाढ़ की वजह से। ठीक है, बाकी काफी दो स्पेशल जो पिक्चर हैं दिल्ली से रिलेटेड हैं। आप सबसे पहले बात की जा रही है डॉग्स स्टेरिलाइजेशन के बारे में, यानी कि एक तरीके से वदिया बनाया जा रहा है कुत्तों को ताकि वो बच्चे पैदा न कर सके। ये कितने वदिया बनाए गए यहाँ पर आप लोग देखते हैं, 2016-17 में लगभग 43,000, 17-18 में 82,000 और यहाँ 18-19 में यहाँ पर 86। ठीक है, तो इतने सारे डॉग यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, तो अब कैसे कंट्रोल किया जा रहा है इनको, तो उसके ऊपर फोकस देने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये स्पेशल सवारी है, भाई साहब एक तो स्कूटी चला रहे हैं, ऊपर से हेलमेट नहीं लगा रखे हैं और ऊपर से ऑटो से इसे धक्का दिला रहे हैं, समझ सकते हैं कि जरा सी देर में क्या हो सकता है। हेल्पिंग हैंड अपनी जगह पर, लेकिन जान बची तो सब कुछ है, वरना फिर देखिए सब कुछ उड़ जाता है। ठीक है, वही ना, सब कुछ वो कहते हैं वैनिश। ठीक है, चलिए जो भी है आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, यहाँ पर नाम है बी एम कोटे। ठीक है, तो ये पाकिस्तान के पॉलिटिशियन थे और ये केरला के रहने वाले थे, 1949 में पाकिस्तान माइग्रेट कर गए थे, तो रिसेंटली भी इनकी डेथ हो गई है, तो एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के तौर पर आप लोगों से पूछा जा सकता है क्योंकि हमारी कंट्री से कनेक्टेड थे। नेक्स्ट यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को बताया था पहले भी, यहाँ पर ये है प्रकाशन बैरेज के अंदर ये नाव फंस गई थी, तो इसको काफी लंबे जद्दोजहद के बाद में इसको निकाल पाए हैं क्योंकि इसकी वजह से यहाँ पर ये रास्ता जो था ये रुक गया था, तो इसको निकालने में सक्सेस यहाँ पर मिल गई है, आंध्र प्रदेश के अंदर ये एक्टिविटी थी। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है हमारी कंट्री में नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड जो है उसके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि लगभग 5,000 बच्चे जो झारखंड और बिहार के अंदर वो क्या कर रहे हैं, वो यहाँ पर काम कर रहे हैं माइनिंग्स वाले एरिया में, खासकर अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, और ये स्कूल में भी नहीं जा रहे हैं, तो हमारी कंट्री में कौन सा आर्टिकल है जो बच्चों के यहाँ पर चाइल्ड लेबर की बात करता है, ये आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। संविधान में भी बोला गया इसके बारे में यार कि बच्चों को आप लोग पढ़ाइए, बच्चों को ऐसी हरकतें ना कराइए, पर फिर भी ये सिचुएशन देखने को मिल जाती है, एक काफी ये न्यूज़ हमारी कंट्री के लिए काफी अच्छी न्यूज़ बोल सकते हैं। बहरीन के अंदर यहां पर एक टेंपल को प्रोजेक्ट को यहां पर इनॉग्रेट करने की बात की जा रही है मोदी जी के द्वारा, लगभग 200 साल पुराना जो ओल्ड कृष्णा टेम्पल है तो उसके ऊपर फोकस किया जाएगा, तो जो काफी बड़ी बात यहाँ पर है। इसी के साथ में यहाँ पर ये पैसे की बात की जा रही है, 4.2 मिलियन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर जो मोदी जी विजिट पर हैं तो यहाँ पर उसी के चलते ये बात सामने निकल कर आई। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो बात की जा रही है यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में एक आप लोग बोल सकते हैं इमोशनल टाइम देखने को मिला,
यहाँ पर तिरंगा तो यहाँ पर लहरा रहा था जो कि हमेशा से लहराता है, पर लेकिन खुद का जो झंडा था वो यहाँ पर लहराता हुआ नजर नहीं आया। तो एक इमोशनल मोमेंट है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये, कोई अभी इसके लिए गाइडलाइन भी जारी नहीं की गई कि कैसे कैसे कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ पर ये लेकर चल रहे हैं, किस तरीके की सिचुएशन है, बस ऐसे इसको हटा दिया गया है। ठीक है, तो हो सकता है कि कम से कम तब तक, मेरे हिसाब से इसको कम से कम तब तक रख सकते थे जब तक थोड़ी नॉर्मल सिचुएशन हो जाती। चलिए जो भी है अच्छा स्टेप लिया होगा सोच समझकर गवर्नमेंट के द्वारा, अच्छा स्टेप लिया गया होगा। देखते हैं कब तक नॉर्मल सिचुएशन हो जाती है। अब यही दुआ की जाए कि कितनी जल्दी नॉर्मल सिचुएशन हो जाए ताकि वहां पर जो बच्चे हैं जो हॉस्पिटल वगैरह हैं उनकी, या फिर जो भी वहां पर एक तरीके से जो नॉर्मल सोसाइटी है वो कम से कम ठीक ठाक चलती रहे। IMF के बारे में बात करते हैं यहां पर। IMF के द्वारा बोला गया कि इंडिया जो है वो डेटा को ढंग से रिपोर्ट नहीं कर रहा है, यानी कि डेटा जो प्रोवाइड कराने जाना चाहिए वो ढंग से डेटा प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं हर फील्ड में। यहाँ पर ये स्पेशल जो एक तरीके से डिसिमिनेशन स्टैंडर्ड है वो सही से फॉलो नहीं किया जा रहा है इंडिया के द्वारा, तो ये गलत बात है। इसी के साथ में जो जैगवार है आप लोगों को देखने को मिलता है यहाँ पर, जो हमारी कंट्री में एयरफोर्स में यूज किया जा रहा है, उसको 2030 में यहाँ पर फेज आउट करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, ताकि यहाँ पर आने वाले टाइम में और नई टेक्नोलॉजी की चीजें यहाँ पर देखने को मिले। ओके, इसी के साथ में लगभग 116 जेट हैं आज के, एक जेट है हमारी कंट्री में, तो देखते हैं कब तक यहाँ पर इसको ढंग से हैंडल किया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर झेल नहीं पा रहे G7 की मीटिंग जो कि कहाँ पर चल रही है, फ्रांस के अंदर चल रही है। रीजन क्या है? रीजन यहाँ पर यह है कि ट्रेड वॉर चल रही है चाइना के साथ में, ईरान और नॉर्थ कोरिया और रशिया के साथ में वैसे ही अपना अलग फ्रंट खोले रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो G7 कंट्री है वो ये बोल रहे हैं कि पूरे दुनिया की आप लोगों ने दया दृष्टि है वो खराब कर रखी है, सुधर जाओ यार, क्या कंडीशन कर रखी है, तो इसको ब्लेम कर रहे हैं, पर लेकिन ये सुनने के लिए तैयार नहीं है। ब्रिटिश जो प्राइम मिनिस्टर आज के दिन में बोरिस जॉनसन और मोदी जी से मिले और आगे दोनों मिलकर काम करने की बात कर रहे हैं अच्छे लेवल पर। ठीक है, बाकी बात की जाए ब्राजील में, तो जो अमेजन के फॉरेस्ट है यहां पर आग लगी ही रही है आप लोगों को समझने को देखने को मिला। तो यहां पर C-130 हरकुलिस एयरक्राफ्ट से पानी बरसाया जा रहा है ताकि आग को कम किया जा सके, काफी लार्ज स्केल पर डिस्ट्रक्शन हो चुका है। अच्छा, ये क्वेश्चन आप लोग बताइए कितने परसेंट जो यहां पर अमेजन के जो फॉरेस्ट हैं कितने परसेंट यहाँ पर जो वर्ल्ड को ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं, ये आप लोग बताइए। ठीक है ना, और इसी के साथ में एक क्वेश्चन आप लोग और बता सकते हैं, अगर आप लोगों ने वीडियो को ध्यान से सुना होगा तो ही आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। सबसे ज्यादा अगर पृथ्वी पर ऑक्सीजन की बात करी जाए वो कहां से निकल कर आती है, किस पर्टिकुलर एरिया से ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पृथ्वी पर देखने को मिलती है, तो ये क्वेश्चन के आंसर आप लोग दे सकते हैं। आइए बात करते हैं आज के क्विज के बारे में आप लोगों के सामने। यहाँ पर ये आज का क्विज है, यहाँ पर जो बात की जा रही है वेस्टर्न घाट इकोलॉजिकल एक्सपर्ट पैनल के बारे में, किसकी अध्यक्षता में ये पैनल था ये बताना है। केरला हाई कोर्ट के द्वारा एक पंचायत थी केरला के अंदर, तो किसका कैंसिल किया गया था यहाँ पर, बेसिकली जो एग्रीमेंट था क्योंकि लोकल एरिया में काफी पॉल्यूशन फैला रहा था ये। इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है, ये आप लोगों को बताना है कि जो सेंसिटिव जोन होता है इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब का है जिसके अंदर नोटिफाई किया जाता है, कौन सा आर्टिकल यहाँ पर, ये दो आर्टिकल के नाम बताना है, इक्वलिटी बिफोर लॉ और यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की बात की जाती है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में बात की जा रही है, तो इस एक्ट का नंबर आप लोगों को बताना है कब का ये एक्ट है। जस्टिस का नाम क्या था यहाँ पर, जो कि यूनियन ऑफ इंडिया जिसने प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बनाया गया, किसकी अध्यक्षता में यहाँ पर रहता है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जो कि मॉब लिंचिंग से रिलेटेड अभी बात कर रहे हैं, किसके द्वारा यहाँ पर बोला जा रहा है वेस्ट टू वेल्थ, तो यहाँ पर रिमूव करने को इसके लिए जो डिब्री वगैरह रहती है ड्रेनेज के अंदर, तो ये आप लोगों को बताना है। ये क्वेश्चन पूछे गए थे आप लोगों से, पहला था यहाँ पर स्टार्ट स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी के बारे में जो कि 2010 में देखने को मिली, 2021 में ये यहाँ पर एक्सपायर हो रही है, देखते हैं आगे इसको रिन्यू किया जाता है या नहीं रशिया और यहाँ पर USA के बीच में। नीति आयोग के द्वारा यहाँ पर बोला गया था ये कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स असेसमेंट जो कि यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट था। पाकिस्तान को यहाँ पर जो ब्लैक लिस्ट करने की बात की जा रही है, तो यह फाइनेंस सिलेक्शन टास्क फोर्स एशिया PGC जो यहाँ पर एशिया पैसिफिक ग्रुप के अंदर, तो देखते हैं सिचुएशन क्या होती है। नेक्स्ट यहाँ पर अमेजन जो फॉरेस्ट है वो ब्राजील के अंदर जहां पर आग लगी हुई है काफी लार्ज स्केल पर। इसी के साथ में 2001 में था यहाँ पर ये अनाउंस किया गया था किसके लिए, विड्रॉ करने के लिए 1972 की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, तो ये USA के यहाँ पर जो रशिया के बीच में बात चल रही थी उसकी बात की जा रही है। कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर बैन ट्रीटी की हम लोगों ने बात की थी जो कि UN जनरल असेंबली के द्वारा 10 सितंबर 1996 में देखने को मिली। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। लेक्चर की PDF यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, मेरे साथ में यहाँ पर कनेक्ट रह सकते हैं, और कहाँ पर आप लोगों को आंसर लिखना है ये तो वीडियो के नीचे लिख सकते हैं आप लोग डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में, या फिर आप लोगों को यहाँ पर लिंक मिल जाएगा जहाँ पर आप लोग जाकर लिखना है वीडियो के नीचे, तो वहाँ पर जाकर लिख सकते हैं। तो इतना टोटल आज का वीडियो, अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करने का भी पूरा हक है आप लोगों को। इसी के साथ में पढ़ा दीजिए यार, किसी को आपका भी भला होगा और सामने वाले का भला हो जाएगा, आप लोगों का रिवीजन होगा सामने वाले को अच्छा लगेगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, बड़ों को नमस्ते छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, तब तक के लिए जय हिंद।